अहम खबर से आपको आगाह करें, फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो गए। जमान खान को बतौर स्क्वाड में मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया गया है। नसीम शाह भारत के खिलाफ कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। कादिर, बेशक ये कौमी टीम के लिए एक झटका है, लेकिन उनकी इंजरी के बारे में बताएगा कितनी संजीदा नौयत की है और कब तक रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। बिल्कुल उमेर, आपने ठीक कहा। ये जो है वो सीरियस हो सकती थी अगर पाकिस्तान टीम जो है वो सांस लेती नसीम शाह को शामिल करके टीम में। इसलिए नसीम शाह को एहतियाती तौर पर जो है वो आराम दिया गया और एशिया कप से बाहर करके उनकी जगह जमान खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और नसीम शाह का भारत के खिलाफ मैच में दायां कंधा इंजरी का शिकार हुआ था। नसीम शाह को मेडिकल पैनल ने वर्ल्ड कप से कबल आराम का मशवरा दिया है और मेडिकल पैनल नसीम शाह का मुआयना करता रहेगा। जबकि हारिस रोफ को भी, उनकी भी इतला है कि भारत के खिलाफ रिजर्व डे में एहतियाती तौर पर बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। आपने हमें अपडेट किया कादिर ख्वाजा, आपका बहुत शुक्रिया।